जी 22 साल की उम्र के, ये आप इनकी बिफोर की फोटोग्राफ देखें, इनके आईब्रोज के ऊपर सफ़ेद दाग हैं, नाक पे सफ़ेद दाग हैं, होंठ नीचे वाले पूरे सफ़ेद दाग से कवर्ड हैं, और यहाँ लिप्स के ऊपर भी सफ़ेद दाग हैं नाक के पास। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा, ये मेरी लिप विटिलाइगो टैटू की थर्ड रिकवरी वीडियो है और ओवरऑल टैटू के ऊपर बनाई हुई मेरी फिफ्थ वीडियो है। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, पहली बार आप हमारी लिप टैटू की वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो ख़त्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन में जाके बाकी वीडियोस पे चेकआउट करना। मैंने एक लास्ट ईयर कम से कम 13-15 मिनट की डिटेल वीडियो बनाई थी लिप्स टैटू के ऊपर, एक मैंने 5-6 मिनट की भी बनाई है, और मैं रिकवरी फ़ोटोज़ भी आपके साथ, रिकवरी जर्नी भी शेयर कर रहा हूँ। ये हमारे तीसरे पेशेंट हैं, इनका नाम है दीपक। 22 साल की इनकी उम्र थी, सबसे पहले इन्होंने हमें फोटोग्राफ भेजी हमारे नंबर पर। फोटोग्राफ देख के हमारे डॉक्टर्स की टीम ने यह अनुमान लगाया कि अभी ये लोग, ये पेशेंट जो हैं, ये टैटू करने के लिए रेडी नहीं है। इन पेशेंट के पहले मेडिकल थेरेपी के द्वारा बाकी सारे सफ़ेद दाग को ठीक करने की रिक्वायरमेंट है। तो मेडिकल सर्कल में IADVL द्वारा डॉक्टर्स क्लासिफिकेशन, हमारा जो क्राइटेरिया रहता है किसी पेशेंट को टैटू करवाने का, वो ये रहता है कि बीमारी 1 साल से ऊपर तक शांत होनी चाहिए, कोई नया दाग नहीं आना चाहिए, पुराने दागों का साइज़ नहीं पड़ना चाहिए, एंड सेकेंडली पेशेंट को चोट लगने से सफ़ेद दाग नहीं होना चाहिए। 10-15% दुनिया में लोग ऐसे भी होते हैं जिनको चोट लगने से सफ़ेद दाग होता है, उसे हम कहते हैं गैबनर्स फिनोमेना। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, जब तक ये क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा है टैटू के बारे में कोई भी आपसे बात नहीं करेगा, सिवाय टैटू आर्टिस्ट के, क्योंकि टैटू आर्टिस्ट को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है कि आपके सफ़ेद दाग बढ़ रहे हैं कि रुके हुए हैं, उनको कोई मतलब नहीं है आपके सफ़ेद दाग होठों पे हैं कि हाथों पे हैं, पैरों पे हैं, उनको तो बस ये पता है कि इसमें रंग डालना है। वो कैसे तैसे करके, उनकी इंक चाइना से आ रही है, उनकी इंक कहीं से इम्पोर्ट हो रही है, सस्ती इंक डाल रहे हैं, महंगी इंक डाल रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, उनको तो बस ये पता है कि सफ़ेद दाग का रोगी अपने इलाज के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और इस चीज़ का वो फ़ायदा उठा। लेकिन एज अ डॉक्टर मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन से एरियाज में टैटू करवाना चाहिए, टैटू कैसे करवाना चाहिए, क्या प्रोसीजर रहता है, रिजल्ट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। बने रहें मेरे साथ। गाइस, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, दीपक जी की 22 साल की उम्र और ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने हमें पहले व्हाट्सएप पे अपने ये बिफोर की फोटोग्राफ भेजी। अब बिफोर की फोटोग्राफ में आपको मैंने बताया कि इनको और भी जगहों पे सफ़ेद दाग था, इसलिए ज़रूरी था हमारे लिए कि पहले हम इनके अंदर से सफ़ेद दाग को ठीक करें, और जहाँ जहाँ पर दवा द्वारा रंग भरा जा सकता है वहाँ पर दवा के थ्रू रंग भरा जाए। तो हमने इनको नॉर्मल अपना कायाकल्प ग्लोबल का जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल रहता है वो चलाया। हमने इनको फेस पे लगाने के लिए ऑइंटमेंट दी, बॉडी पे लगाने के लिए हमने इनको सर्कल ऑइंटमेंट दी, और हमने इनको धूप दिखाने को बोला, जो कि हम हर पेशेंट को रिकमेंड करते हैं। ऐसा करने के बाद इनके फेस के सारे पैचेस ठीक हो गए, सिर्फ होंठों वाले सफ़ेद दाग बच गए 1 साल के बाद। पेशेंट की भी देखिए डेडिकेशन है कि वो हमारे साथ बने रहे। उनको हमने जब ये पूरा प्लान समझा दिया था कि सर आपके पहले बॉडी के पैचेस ठीक करेंगे, हम आपके समाज में दिखने वाले हिस्सों पे सफ़ेद दाग ठीक करेंगे, लास्ट में जो पैचेस बच जाएंगे होंठों पे उसमें हम रंग भरने का भी आपको अभी से ही ऑप्शन बता दे रहे हैं। ये बात पेशेंट को समझ में आई, पेशेंट ने पेशेंटली हमारे साथ ट्रीटमेंट लिया 1 साल से 1.5 साल। आज मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पे आफ्टर की फोटोग्राफ, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट सेक्शन में मुझे एंगेजमेंट बताएं कि हाँ आप इंटरेस्टेड हैं इस टाइप की फोटोग्राफ्स में, इस टाइप की जर्नी में, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब पे और कोई भी यूट्यूब पे जो चैनल है सफ़ेद दाग की जो बात करता है, वो टैटू के ऊपर वीडियो नहीं बना रहा है, वो सर्जरी के ऊपर वीडियो नहीं बना रहा है, कैसे बनाएंगे, बिकॉज उनके पास वो सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। एंड यहीं पर कायाकल्प ग्लोबल सेपरेट हो जाता है बाकी सभी संस्थाओं से, क्योंकि यहाँ पे हमारा मकसद क्या है, कायाकल्प ग्लोबल पे हमारा मकसद है कि हम आपको आपकी पुराने जीवन वापस लौटा दें, चाहे वो दवाई खाने से हो, दवाई लगाने से हो, सर्जरी करने से हो, टैटू करने से हो, अल्टीमेट गोल इज यू शुड गो बैक टू योर प्रीवियस लाइफ। दैट इज़ वाई जो पैचेज हम दवा दे के ठीक कर लेते हैं, बॉडी के सारे पैचेज हम दवा दे के ठीक कर सकते हैं, हम बीमारी का बढ़ना रोक सकते हैं, बीमारी को अंदर से ठीक कर सकते हैं, रंग भर सकते हैं, सारे काम हम कर सकते हैं, हमारे पास
ये इकलौता ऐसी संस्था है पूरे देश में जहाँ पे कि खाने के लिए भी ऑप्शन हैं, कॉम्बिनेशन थेरेपी भी अवेलेबल है, सर्जरी का भी ऑप्शन अवेलेबल है, टैटू का भी ऑप्शन अवेलेबल है। इट्स वन स्टॉप शॉप, आपको इसके बाद कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। हमारे पास सारे हथियार अवेलेबल हैं, डॉक्टर MBBS डॉक्टर, MD डॉक्टर, BMS डॉक्टर, हर टाइप के डॉक्टर्स हमारे साथ हैं, हमारे पास हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे पेरोल पे भी हैं और हमारे साथ एफिलिएटेड भी हैं। तो जिस भी टाइप की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम ट्रीटमेंट को कस्टमाइज़ करके पेशेंट तक पहुंचा सकते हैं। यहीं पे हम सेपरेट हो जाते हैं बाकी हर ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं आपको दिखाता हूँ आफ्टर की फ़ोटोग्राफ। आप नोटिस करें सबसे पहले तो फोटो को, तो बाद में देखना बाकी फेस के पैचेस आप नोट करें सारे ठीक हो गए हैं। वहाँ पे हमने टैटू नहीं किया है, वहाँ पे हमने सर्जरी नहीं की है, वहाँ पे हमने नॉर्मल खाने वाली दवाई, लगाने वाली दवाई, थूक दिखाना, जो हमारा प्रोटोकॉल होता है वही हमने फॉलो किया फेस के पैचेस के लिए। फोटो पे आप नोट करें, पहले आप बिफोर की फ़ोटो देखें और फिर आफ्टर की फ़ोटो देखें, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, आप बता ही नहीं सकते। यहीं पर स्किल आता है एक डॉक्टर का वर्सेज एक टैटू आर्टिस्ट का, बिकॉज होंठों में रंग भरने के लिए ऐसा नहीं है कि मार्केट से रंग उठाया और लगा दिया। हर एक इंसान की स्किन अलग है, हर एक इंसान की स्किन टोन अलग है, हर एक इंसान की आँखों का रंग अलग है। वो कलर मैचिंग वही स्किल है जो एक डॉक्टर को डिफ्रेंशिएट करता है एक टैटू आर्टिस्ट से। तो जब भी आप किसी टैटू आर्टिस्ट के पास जाएं भी ना, तो मेरी सलाह लें और उनसे बोलें कि भैया पहले मेरे को दिखाओ जो आपने पुराने सफ़ेद दागों में रंग भरा है वो दिखाओ। नॉर्मल अपना टैटू का डिज़ाइन वन दिखाओ, हम सफ़ेद दाग में टैटू भरा है तो उसकी फ़ोटो दिखाओ, और अब 6 महीने बाद 9 महीने बाद उस पेशेंट के सफ़ेद दाग के ऊपर जो आपने रंग भरा उसकी स्थिति कैसी है वो भी दिखाओ। क्योंकि 6 महीने 9 महीने 1 साल बाद वो टैटू काले पड़ जाते हैं, वो टैटू ऑक्सीडाइज हो जाते हैं हवा के संपर्क में आने से, नए दाग निकल आते हैं नीचे से, बाजू वाले एरिया में दाग निकल आ रहे हैं। तो उनसे पूछो, आपका हल बनता है। आप जब इतना पैसा खर्च करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने कितने सफ़ेद दागों में रंग भरा है, और भरने के बाद 6 महीने बाद 9 महीने बाद की फ़ोटो भी मंगवाना उनसे और नोटिस करना कि कलर कैसा है। यहीं पर आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ लिप्स में और निपल्स में, पूरे शरीर में 2 ही ऐसे एरिया हैं जहाँ पर माइक्रो पिगमेंटेशन या टैटू रिकमेंडेड है बाई डर्मेटोलॉजिस्ट, बाई डॉक्टर्स। ऐसे ही थे आज की वीडियो। मैंने आपको बिफोर की फ़ोटो दिखाई, मैंने आपको आफ्टर की फ़ोटो दिखाई, मैंने आपको समझाया कि पहले स्टेबिलिटी लाना ज़रूरी है, मैंने आपको समझाया कि पहले बीमारी को अंदर से ठीक करना ज़रूरी है, उसके बाद ही हम होठों में रंग भरने की बात करेंगे। धन्यवाद।